यूपी में एक हफ्ते के अंदर एक और ट्रेन हादसा। बता दें इस बार आजमगढ़ से दिल्ली आ रही कैफियत एक्सप्रेस औरैया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि मानव रहित फाटक पर फंसे एक डंपर से ट्रेन के टकराने से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 74 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा अछदा और पाता रेलवे स्टेशन के बीच रात 2:50 पर हुआ। वहीं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO गौरव कृष्ण बंसल ने हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं होने की जानकारी दी। CPRO के मुताबिक सभी घायलों को औरैया के जिला अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। CPRO के मुताबिक गलत तरीके से डंपर के ट्रैक पर आने से हादसा हुआ। ये हमारी LHB कोच की ट्रेन थी, जिसमें सेंटर बफर कपलर लगे होते हैं। ये एक उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। डिरेलमेंट ज़रूर हुआ, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको कि करीब 20-21 लोग हैं, जिनको ये औरैया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है, वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। और रिलीफ वर्क तो वहाँ पर लगभग पूरा ही हो गया, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी घायल मौजूद नहीं है। जो वहाँ पर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, उनके लिए शिकोहाबाद से हमने मेमू चलाई थी और आगरा से एक स्क्रैच रेक चलाया था। ये दोनों वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, शिकोहाबाद वाला पहले पहुँचेगा, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये ए रूट है हमारा, और इस डिरेलमेंट की वजह से अप एंड डाउन दोनों ही लाइनें प्रभावित हैं, तो उसके लिए कुछ कैंसिलेशन और कुछ डायवर्जन प्लान होंगे, जिसमें अभी तक करीब 40 डायवर्जन प्लान हैं और कुछ कैंसिलेशंस भी हैं, जिसमें बेसिकली जो वहाँ के सबअर्बन सर्विस की जो मेमोज हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो कालांतर में उनका अपडेट आता रहेगा, हम आपको अब तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। जांच तो इसमें होगी ही, और जांच के उपरांत ही पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ था इसमें। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही है कि वो डंपर गलत तरीके से ट्रैक पर आया, वहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं थी और उसकी वजह से ये डिरेलमेंट हुआ। रेल डिरेल होने से दिल्ली हावड़ा रूट पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके चलते 40 से ज्यादा ट्रेनों को डायवर्ट और कैंसिल किया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर बताया कि वे हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। कुछ यात्रियों को चोटें लगी हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। न्यूज़ ब्यूरो।